हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ममता फैमिली ब्लॉग में। और अभी दोस्तों टाइम हो रहा है, सुबह के बज गए हैं वही छः नहीं बजे हैं, क्योंकि मैं जब ऊपर आई हूँ तो 5:30 बजे का टाइम है। और अभी जो है बादल हो रहे हैं, हल्की फुल्की बारिश भी हो चुकी है। वैसे तो रात में ही हुई है, लेकिन अभी भी जो है सुबह हल्की फुल्की बारिश हुई है। और अभी हमारी बिटिया रानी देखो दिख रही होंगी आप लोगों को, तो ऊपर जो है सफाई कर रही है, नीचे इसने पूरी जो है झाड़ू वगैरह लगा के साफ़ सफाई की, फिर अभी जो है ऊपर आई है छत पर। तो वैसे तो ऊपर छत पर झाड़ू लगती है सुबह सुबह, लेकिन अभी जो है बारिश हो रही है तो उसने थोड़ा सा और पानी डाल के वाइपर से खींच दिया है। और फिर मैं आ गई हूँ नीचे, तो मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत बर्तन धुले हैं जो कि रात के पड़े हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने सिंक एरिया की सफाई। तो सिंक एरिया की सफाई देखो बहुत ज़रूरी होती है किचन में। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो गंदा एरिया होता है हमारे किचन का, वो सिंक एरिया ही होता है। तो बर्तन धोने के बाद मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया है, और हमारी बिटिया रानी नहाने जा रही हैं तो शैम्पू लेने आई थी किचन में। तो अभी जो चाय वगैरह तो हमारी बन चुकी है सुबह के टाइम पे, लेकिन फिर जो है थोड़े बहुत बर्तन रात के भी हो जाते हैं, और चाय वाय बनती है तो थोड़ा जो है हमारा गैस भी गंदा हो जाता है। बरसात में चींटियाँ देखो बहुत आती हैं, ज़रा सी भी चाय गिर जाए, चीनी गिर जाए तो बहुत चींटियाँ आती हैं। तो मैंने जो है रात में तो साफ़ किया था, लेकिन फिर मैंने यहाँ पर सुबह जो है फिर से एक बार किचन पूरा साफ़ किया है। तो अभी जो है पानी वगैरह भर के रखा है, तो जब पानी वानी भरो तो किचन में बहुत ज़्यादा किचकिच हो जाती है, छोटे से किचन में होती है बहुत किचकिच। तो फिर जो बाद में सारा कुछ पहुंचना होता है, और अभी यहाँ पर सारी पॉलीथीन में भर के रख रही हूँ, एक जो है बड़ी पॉलीथीन में। तो अभी क्या डुग्गू है जो वो आ जाता है किचन में, तो अगर साइड में रख दो तो फिर वो निकाल के फाड़ के पूरे घर में डालता है, तो मैंने यहाँ पे रख दी कोने में, तो यहाँ पे वो पाता नहीं है टोटी के पास। और उसके बाद मैंने दोबारा से चाय चढ़ाई है। नमस्ते आप सभी लोगों को, कैसे हैं आप सब? तो आज जो तारीख है वो है 14 अगस्त, और हाँ 14 अगस्त है सावन का छठवां सोमवार। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, चाय जो है एक बार बन चुकी है, एक बार जो है मैं दोबारा से बना रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि पापा जी है वो नहा करके मंदिर जा रहे हैं गाँव पे, और जानू नहा रही है तो बस मैं रह गई हूँ, बाकी सभी लोग नहा चुके हैं। और 7:30 बज गए हैं, आज बच्चे भी स्कूल नहीं गए क्योंकि कल है 15 अगस्त, तो स्कूल में चल रही है फंक्शन की तैयारी, तो इस वजह से गए भी नहीं। और आज बारिश भी हो रही है सुबह सुबह। नहाकर मैंने अपनी पूजा शुरू कर दी है, और आज है सावन का छठवां सोमवार। तो वैसे भी इस बार देखो सावन 2 महीने का है, 59 दिन का, तो इसमें सोमवार भी ज़्यादा होंगे, तो अभी जो है 2 सोमवार और हैं, शायद 8 सोमवार हैं मेरे हिसाब से, तो 8 ही सोमवार हैं, पता नहीं और भी हैं कि नहीं, लेकिन 8 सोमवार हैं। तो आज जो है छठवां सोमवार है, तो यहाँ पर मैंने सावन की जो सोमवार की पूजा है वो कर ली है, क्योंकि मैं सिर्फ जो है छत पर करती थी तुलसी मैया के साथ में, जो है सूर्य भगवान को जल चढ़ाती थी, और केले में। शिवलिंग तो मैंने इसी साल जो है रखा है, क्योंकि मंदिर नहीं जा पाई हूँ तो शिवलिंग भी मैंने रख लिया है एक गमले में। तो सोचती हूँ कि चलो रोज़ नहीं लेकिन सोमवार के सोमवार में पूजा कर सकती हूँ, इसी बहाने जो है हम अपने घर पे पूजा कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं होती है मंदिर जाने की। और देखो हाउसवाइफ के पास उतना टाइम भी नहीं होता है कि हर हाउसवाइफ डेली की डेली मंदिर जाए, मुझे लगता है कि सारी औरतें देखो नहीं जा पाती हैं। सो रहा है ये देखिए, जिन जिनको डुग्गू पसंद है उन्हीं को दिखा रही हूँ, सबको नहीं दिखा रही हूँ भाई, कुछ लोगों को नहीं पसंद होते हैं डॉग कुत्ते वगैरह, कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे मेरे घर में सबको पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, जो है बच्चों को बहुत पसंद है, तभी मैं दिखा देती हूँ। और अभी जो है पूजा हो चुकी है मेरी, दीपक जल रहा है आंगन में, और जानू मेरी चिल्ला रही थी जब मैं पूजा कर रही थी, तो जानू चिल्ला रही थी, पता नहीं क्यों चिल्ला रही, क्या चिल्ला रही थी, ये देखो ये चिल्ला रही थी जब मैं पूजा कर रही थी, तो ये ऊपर चिल्ला रही थी, क्या ढूंढ रही हो? झाड़ू का आप क्या काम झाड़ू पोछा हो गया, बाहर डाली होगी पापा ने, झाड़ू ढूंढ रही है, इसको फिर कुछ लग गया काम। एक तो हमारे घर में डस्ट का काम है, तो रेत इसकी साहट होती रहती है, ये देखो पापा कहाँ गए, पापा भी गायब है तुम्हारे, देखो इनके पापा गायब हैं, और दुकानदारी कौन करता है, हमारे घर की दुकानदारी देखो जैक कर रहा है, जैक बैठा था कुर्सी पे, तो ये दुकानदारी चलाता है, ये करता है दुकानदारी। झाड़ू उस पर देखी होती, ऊपर रख दी उधर उस पर, लकड़ी वाले पर नहीं, ऊपर पटरे पे। तो
तो चाय पी लूँ पहले, फिर आप लोगों से बतियाऊँ, फिर आप लोगों से बातें करूँ ढेर सारी बातें, क्योंकि अभी जो है ये देखिए चाय ठंडी अभी नहीं हुई है ठंडी, और जानू ने छानी किस कप में, देखो टूटे वाले कप में सारे बर्तन रखे हैं। मैं दिखाऊँ क्यों ये टूटे वाले कप में छानती है चाय, ये देखो ये बर्तन रखे हैं ये, तो कई बार क्या होता है कि जैसे बर्तन धुलते धुलते जो छोटे बर्तन होते हैं कप वगैरह वो नीचे डाल देती हूँ, तो ये निकालती नहीं है कि निकालने पड़ेंगे। और इधर देखो ये तो ये सुबह के ही पड़े हैं, जिनको इसे जो है धुलना ना पड़े, एक भी कप धुलना ना पड़े, देखो कितने सारे कप पड़े हैं, लेकिन इसने मुझे टूटे वाले कप में छान दिए है। इसको इसको पता है कि मैं जब नहीं पीती हूँ मुझे स्टील के बर्तन में चाहिए, लेकिन फिर भी इसने ये देखो ये रखे हैं सारे कप धुलने के लिए, इतनी आलसी लड़की है, आज मैं दिखा रही हूँ उसका आलस। और ये देखो ये साबुत कप रखे हैं ये, लेकिन ये नहीं छानती है, इसके हाथ में जो बर्तन लग जाएगा बस उसी में छान देगी, कटोरी होगी कटोरी में छान देगी, बस पीने से मतलब है। कपड़े मत फैलाना इधर उधर, अलमारी कितनी भी साफ करके रखो कितनी भी साफ करके, ये दो तीन बच्चे हैं मेरे घर में बिल्कुल जो है दुष्ट बच्चे हैं, बहुत जल्दी ख़राब करके डालते हैं। और अभी जो है भिगो रही हूँ मैं किचन में राजमा, तो राजमा भिगो रही हूँ रात के खाने के लिए, क्योंकि दिन में तो सबका व्रत है। और ये देखो ये टेबलेट निकली है डिब्बे से, तो इस तरीके की गोलियाँ मैं लेकर के आती हूँ, क्योंकि जब हम बरसात में दाल चावल वगैरह स्टोर करते हैं राजमा छोले, तो उनमें क्या होता है कीड़े लग जाते हैं, खासकर देखो बरसात में ज़्यादा लगते हैं, और इस तरीके की गोलियाँ जब हम डाल के रखते हैं तो कम लगते हैं कीड़े। मैं जो है चावल के डिब्बे में ज़रूर डाल देती हूँ, क्योंकि चावल के डिब्बे में बहुत जल्दी जो है लगते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी जो है लेकर के आ गई हूँ, थोड़े से अनार रखे हैं, तो बस बैठ करके इन्हीं को छील लूँगी। मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे अनार लेके छीलने के लिए, तो हस्बैंड लेके आए थे कल अनार, ये कल शाम में लेके आए थे, और अनार के साथ में ले आए थे टमाटर। तो कल बनी थी हमारे घर में मटर पनीर की सब्ज़ी शाम को, तो अभी जो है टमाटर जो है अभी सस्ते हो गए हैं, बता रहे थे कि 100 रुपये किलो हो गए हैं, तो फिर ये 250 ग्राम लेके आए होंगे, और 4 मिले थे 250 ग्राम पे, इतने ही चढ़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चढ़ते हैं, 4, 3, 4 या फिर 5 अगर छोटे छोटे हों। तो कल मैंने डाल दिए थे 2 मटर पनीर में, तो अभी 2 रखे हैं, बाकी जो है अनार रखे हैं, तो बस यही मैं बैठ गई हूँ छीलने के लिए। और ये बस इनको छील के जो है आज व्रत है, तो छील के दही रखा है, सोच रही हूँ दही में डाल करके चीनी वीनी डाल करके खा लूँ, क्योंकि भूख भी लग रही है। जानू ने अपने लिए मैगी बनाई, वो मैगी जो है खा चुकी है। और ये देसी वाले जो है अनार, ये निकल तो बहुत अच्छे से रहे हैं, बहुत बढ़िया दाने निकल रहे हैं, लेकिन निकालने में बहुत दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे निकालो तो बहुत जो है टाइम लग रहा है। और आज मैंने सदियों पुरानी साड़ी पहनी है, इसका जो है इसकी कढ़ाई देख के पता चल रहा होगा, ये देखिए इसकी कढ़ाई, ये भी बहुत पुरानी साड़ी है, बहुत पुरानी शादी की वही शुरुआत में ही मैंने ली थी, मेरे हस्बैंड लेके आए थे, इनको जो है ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगा था। एक मिनट, मेरा फ़ोन सही नहीं है, हाँ ये अब सही है, तो ये वाला जो है कलर इनको बहुत पसंद आया था, ये जो कढ़ाई, अब तो इस तरीके की चलती भी नहीं है। और ये जो है साड़ी मेरी जब बड़ी वाली ननद ने देखी तो उनको इतनी अच्छी लगी, फिर वो भी देखा देखी जो है सेम कलर सेम डिज़ाइन की लेके आई है, मतलब अभी तो वो पहनती भी हैं, वो गांव में रहती है तो वो पहनती है, लेकिन मेरे पास जो है साड़ियाँ वो वैसे ही रखी रहती हैं, तो बहुत कम पहनती हूँ। तो अभी जो है जैसे सावन हो गए, नवरात्रि हो गई, कोई भी त्यौहार हो जाता है तो फिर मैं पहन लेती हूँ कि चलो इसी बहाने कम से कम पहन लूँ, वरना ये रखे रखे ही ख़राब हो जाएंगी। कई बार ही होता है रखे रखे ही ख़राब हो जाती हैं साड़ियाँ। मेरी जो सास थी उनकी, वो भी नहीं पहनती थी, बहुत कम, जैसे जो वो डेली वाली पहनती थी साड़ी जो बहुत हल्की होती है, तो उनके पास जो भी हैवी साड़ी रखी थी 4-5, तो सब में क्या है जैसे तह तह रखी रहती हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लग जाता है, दाग वगैरह कीड़ा वगैरह, फिर वो ख़राब हो जाती है, वहीं से गल जाती है साड़ी। मेरे पास भी एक साड़ी रखी थी, पता नहीं इसमें क्या लगा था ज़रा सा, फिर वो रखे रखे वहाँ पे जो कपड़ा है उतना गल गया, उतना जो है कपड़ा ही गायब हो गया। तो मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत मैं पहन लूँ इनको इसी बहाने से, वरना ये रखे रखे जो है ख़राब हो जाएंगी। अब आगे चल के जो बहुएँ हैं वो तो जीन्स टॉप वाली आएंगी, और बेटियाँ भी नहीं पहनेंगी, जो कि वो बेटियाँ पहन लें तो बेटियाँ भी नहीं पहनेंगी। और आजकल इतनी अच्छी अच्छी नई नई डिज़ाइन की साड़ी चली हैं, नए नए प्रिंट फैशन की, तो पुराने जो है चलन को अब बहुत कम लोग पसंद करते हैं, बिल्कुल पुराने जो है ज़माने की साड़ी है, कढ़ाई वढ़ाई देख के
बिल्कुल जो है मन नहीं करता है पहनने का, बहुत डार्क कलर है ऑरेंज, लेकिन क्या है पहनने पे अच्छी लगती है, कलर जो है प्यारा लगता है इसका। आज मैंने बहुत दिन के बाद पहनी है, थोड़ा सा अपना जो है टचअप किया है, बोरिंग बोरिंग फेस जो है थोड़ा सही लग रहा है। दो दिन से मैं बीमार थी, दो दिन मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाए परसों, और हाँ दो दिन मैंने नहीं बनाए थे सैटरडे, शायद मैंने सैटरडे को बनाया था, सैटरडे और नहीं फ्राइडे को बनाया था, हाँ फ्राइडे को बनाया था, फिर मैंने सैटरडे और संडे दो दिन नहीं बनाए। आज मंडे है तो आज थोड़ा मैं सही हूँ, मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ आज, और साड़ी वाड़ी पहन लिए तो थोड़ा और सही लग रही हूँ। आज जो है बारिश हो रही थी सुबह, ये वाली चाकू मैं दिखा दूँ, मेरे घर में बहुत सारे जैसे चाकू हैं जो स्टील की आती हैं, करीब 5-6 चाकू हैं, लेकिन ये जो चाकू है ये पता नहीं कि मुझे इसी से ही काटती बनती है कोई भी चीज़ हो, ये बहुत तीखी है, बहुत ज़्यादा तीखी, इसमें जो है धार है और ये लोहे की है, ये काली पड़ जाती है लेकिन फिर भी जो है साफ़ कर दो तो साफ़ हो जाती है। बाकी स्टील की मेरे घर में चाकू हैं 4-5 चाकू, लेकिन पता नहीं कि मुझे जो है वो चलाती ही नहीं बनती है, जैसे लगता है उनमें धार ही नहीं है, कुछ कट नहीं रहा है, मैं यही उठा के लाती हूँ हमेशा, मेरे हाथ में यही लगी है चाकू। और आज जो है बेटे की ड्रेस मैंने देखो कहाँ डाली है, क्योंकि बाहर जो है बारिश हो रही है, बारिश सुबह हो रही थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी सुबह हुई है, रात में हुई है, तो क्या हुआ इसकी ड्रेस मैंने यहाँ डाल दी अंदर, क्योंकि बाकी सारे कपड़े भीगेंगे वो चलेगा, लेकिन इसकी ड्रेस जो है सूख जाए, कल है 15 अगस्त, और अगर सूखेगी नहीं तो फिर ये बहुत चिल्लाएगा, और अगर जाते नहीं बच्चे तो फिर अगले दिन जो है मार भी पड़ती है, डांट होती है, मार पड़ती है, जाना जो है ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा चलो मैं अंदर डाल दूँ, क्योंकि पैंट जो है वो मोटी है, सूखती नहीं है, और मेरी जो मशीन है वाशिंग मशीन उसका ड्रायर ख़राब है, 4-5 महीने हो गए हैं ड्रायर ख़राब, सर्दियों में ही ख़राब हुआ था, तब से जो है बनवाया ही नहीं। मेरे घर में जैसे अनार जैसे मतलब कोई भी जैसे फल आता है, चलो जो काट के खाने वाला है वो अपने आप काट के खा लेंगे, लेकिन अगर अनार आए हैं तो ये पड़े 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 फ्रिज में सड़ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं खाएगा, खाली ला के रख देते हैं, लेकिन जब तक मैं छीलूंगी नहीं, दाने निकाल के रखूंगी नहीं, ये कोई नहीं खाएगा, ऐसे ही सड़ जाएंगे रखे रखे, फिर चाहे वो फेंक दिए जाएँ लेकिन कोई नहीं खाएगा, दाने निकाल के दे दो तो फिर सब लोग खा लेते हैं, कहते हैं ये वाला काम थोड़ा मुश्किल है, ये कौन करे बैठ के, तो मैं ही करती हूँ, कई बारी जो है हस्बैंड कर देते हैं, मन होता है तो मूड होता है ना, जब मन होता है तभी लोग काम करते हैं, जब मन नहीं होता है तब नहीं करते हैं, जैसे कि मेरा मन है आज ब्लॉग बनाने का तो मैंने कहा चलो मैं आज बनाती हूँ। दो दिन से मैं बीमार पड़ी थी, बुखार जुकाम, सर्दी जुकाम जल्दी होता है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है इस टाइम पर, तो सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है, वही हो गया था सर्दी, और आज भी है जुकाम, सुबह सुबह उठ के फिर जो है कल रात में मैंने रात में दवाई खाई, सुबह बोल रही हूँ कल रात में मैंने दवाई खाई 1-1.5 बजे उठ के, ये वाला ख़राब निकला, फिर मैं सोई तो आज मैं थोड़ा लेट उठी थी, 5:30 बजे उठी थी, और जब मैं उठी थी 5:30 बजे तब तक जो है जानू पूरा घर साफ कर चुकी थी, नीचे का झाड़ू पोछा, जब मैं ऊपर गई थी उठ के तो ऊपर जो है धुल रही थी, आज जानू ने पूरे घर की सफाई की है, बोल रही थी मम्मी तुम ब्लॉग में बताती नहीं हो किसी को, तो मैंने कहा आज मैं बताऊंगी किसने सफाई की है, अभी तो वो अपना काम कर रही है, चार्ट पेपर बना रही है। और अभी यहाँ पर देखो मैंने अनार छील करके धुल करके रख दिए हैं, और ये देखो ये वहाँ से पीछे पीछे आया था कि इसको जो है खाना खाना है, भूख लगी है, तो सुबह जब जानू ने मैगी बनाई थी तब ये सो रहा था, तो इसके हिस्से की मैगी निकाल के रख दी थी, तो वही मैंने इसको दे दी है, मैगी जो है ठंडी हो के जम भी गई है, तो वही जो है वो खा रहा है। और इधर मैंने बना लिया अपने लिए फ्रूट रायता, तो अनार डाल दिए हैं दही में, एक मैंने केला काट लिया है, और उसके बाद थोड़ी सी मैंने यहाँ पर पिसी मतलब साबुत चीनी डाल दी है, पिसी चीनी जो है जल्दी घुलती है लेकिन पिसी चीनी है नहीं, तो मैंने साबुत चीनी डाल
डालती है ये भी घुल जाती है बहुत जल्दी। और इसमें आप जो है अपनी पसंद के और भी फल डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। तो बस हमारा फ्रूट रायता जो है बन के तैयार हो गया है। और केला दही थोड़ा हैवी होता है, तो इस तरीके से जब हम बना करके खाते हैं तो हमारा पेट भी थोड़ी देर तक भरा रहता है, भूख भी नहीं लगती है जल्दी। यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड बस दोनों लोग खा रहे हैं। जानो लेके आई है मोमोज, और देखो कौन कौन बैठा है मोमोज खाने के लिए, कितने प्यार से देख रहा है मोमोज, चटनी और डुबू के भी जो लाल टपकने वाली है। ये देखो हमारी बिटिया रानी गई थी अभी मार्केट अपनी फ्रेंड के घर, तो वहीं से लेके आई है मोमोज। और ये डुबू के निकाल के रखे हैं दोनों, ये डुबू के हैं। डुबू 1 2 3 डुबू कैच, ये पीछे पीछे जाएगा फिर बैठेगा कमरे में फिर भौंकेगा। तो ये लोगों को बहुत चिढ़ होती है, कहते खाने नहीं देता है, और ये सच में नहीं खाने देता है। ये भौंकेगा बराबर बैठ के जो है, जब तक इसको हर बार थोड़ा थोड़ा देते रहोगे तब तक ये चुप रहेगा, नहीं दोगे तो फिर ये भौंकना शुरू कर देता है। और अभी जो है बज गए हैं शाम के 5, मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। जानू ने भी जो है चाय बनाई है आकर के, फ्रेंड के यहाँ पर गई थी तो फिर इसने आके चाय बनाई है। देखो ये बैठा है शैतान, ये बैठा है, ये बहुत शैतान है, ये खाने का इतना शौकीन है, बस इसको पन्नी दिखा दो पॉलीथीन कुछ आया है ये देखो खाएगा, ये हर चीज़ खा लेता है। इसको कल परसों में सब्जी काट रही थी नारी की, ये पीछे पीछे घूम रहा था पत्ते वाली सब्जी, ये भी उसने खा ली, इसको मैंने पत्ता पकड़ा दिया इसने पत्ता भी खा लिया, इतना ये खाने पीने का वो है, बस इसको खाना ही चाहिए और कुछ नहीं। ये भी खाना है, मुँह खोलो, लो देखो दिखा दो सबको कि डुकू मोमोज खाता है। 1 2 3 डुकू कैच, खा गया मोमोज। और मैं शाम की चाय पी रही हूँ 5 बजे की, जानू ने बना के थी, सो गई, बहुत तेज़ नींद लगी। व्रत वाले दिन पता नहीं जिस दिन काम नहीं होते व्रत के दिन उस दिन नींद भी लगती है कि चलो सो जाओ, मैं लेट के फिर नहीं सो गई। वो देखो पापा आए गेट खोले बाहर, पापा ने जा अब ख़त्म है बाबू, देख रहे हो तो हमें अभी भी अब तो ख़त्म है, देखो मोमोज ख़त्म हो गए ना, ये दे दे खेलोगे, हाँ देखो ये दे दे ये खेलेगा, ये पॉलीथीन खेलेगा, नहीं नहीं खेलनी नहीं फिर तो खा लेते हो पॉलीथीन, गंदी बात है, नहीं 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 हम यहाँ रख देंगे तुम बहुत शैतान हो। और ये कैमरा देख के भौंकेगा भी नहीं, जब कैमरा बंद हो जाएगा तब भौंकेगा। और अभी जो है मैं जाऊँगी राजमा बनाऊँगी, क्योंकि मैंने राजमा रखे थे दोपहर में भिगोए थे, तो अभी राजमा चावल शाम को बनेंगे। और अभी जो है इस वाली वीडियो का भी एंड करती हूँ यहीं पर, वरना ब्लॉग जो है बहुत लेंथी हो जाता है। और ये शैतान देखो बार बार आ रहा है, ये बहुत शैतानी कर रहा है, देखो देखा कैमरा अभी पीछे हो गया, बहुत शैतान है, ऑफ कह रहा है कैमरा, ये बहुत शैतानी करता है। हाँ मैं देख रही हूँ तुमको, तभी तुम इधर से उधर खड़े हो गए उधर जाके, कि उधर कैमरा नहीं है, क्योंकि मान जाया करो भी शैतानी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। चलो अच्छा एंड कर दो ब्लॉग का, बाय बाय कर दो, आज सबको बाय बाय करते हैं। चलो तो चलो अभी जो इस वाली वीडियो का दोस्तों इंड करती हूँ यहीं पर, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हंसो मत, बहुत तुम गंदे बच्चे हो, सब लोग कहते हैं कैमरा देख के सुधर जाता है, गंदे बच्चे हो ना, ऑफ कैमरा तुम बहुत शैतानी करते हो, तुम्हारा हम एक दिन बना के डालेंगे ब्लॉग पूरा। अब इसको दिख रहा है कि कैमरा मेरी तरफ नहीं है, देखो भौंक रहा मेरे ऊपर।